हे गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम फाइनली कंडक्ट हुआ 18 नवंबर को, और आप लोग मुझे बताओ कि आपने कितने अटेम्प्ट्स किए और पेपर का लेवल ऑब्वियसली बहुत अच्छा आया है। यही कहेंगे कि कौन सेक्शन बहुत टफ था, फिर भी अगर हम बात करें कि कितने कितने आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, तो नीचे आप लोग अपना टोटल मुझे जरूर बताओ, ताकि इससे एक आइडिया ये लग जाए कि आप लोग जो है क्वेश्चन बनाकर आए, तो आपके जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं वो लोग किस तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों क्वांट की, तो देखो क्वांट ऑलमोस्ट जो है डिफिकल्ट में ही कंसिडर होगा, और लोगों को इसमें क्वेश्चन ढूंढने पड़ रहे थे कि यार कहाँ से क्वेश्चन बनाए जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसी हालत जो है SBI जैसी ही यहाँ पर देखने को मिली थी। ठीक है, तो क्वांट ऑलमोस्ट जो है डिफिकल्ट लेवल था, और इसमें दो नंबर के नंबर सीरीज के क्वेश्चंस लोगों को मिले, जो कि मतलब उनको लग रहा है कि यार ये ठीक है। ओके, बाकी उसके बाद और भी क्वेश्चंस थे, तो मैं यही कहूंगा कि जो इसकी कट ऑफ होगी वो आप ये मान के चलें कि लेस देन 6 मार्क्स, ठीक है, इसके नियर अबाउट में ही होगी, इससे ज्यादा तो बढ़ने के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन आप अपने ओवरऑल अटेम्प्ट को अगर यहां पर आप देखोगे, तो रीजनिंग जो सेक्शन था वो अगर मैं लास्ट ईयर के एग्जाम की बात करूं, जो लोग लास्ट ईयर एग्जाम देकर आए थे, उससे यार हल्का ही लगा, क्योंकि रीजनिंग में हम यही कहेंगे ड्यूरेबल था। ओके, अगर आपको पजल्स बनानी आती हैं तो आपने यहां पर एक अच्छा कर लिया होगा। अभी जो मैं स्कोर आपके पास शेयर कर रहा हूं, इसमें जो पर्सन है इन्होंने टोटल अटेम्प्ट किए हैं 105। ओके, और सबसे अच्छे इनके अटेम्प्ट हैं रीजनिंग में। ओके, और इन्होंने खुद कहा कि रीजनिंग में लगभग 25 नंबर तक हम अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर हमारी रीजनिंग थोड़ी सी ठीक है। ओके, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर पीओ की अगर हम कंपेयर करें तो उससे पेपर थोड़ा सा हल्का इन्होंने यहां पर बताया है। ओके, तो आप लोग मुझे बताओ कि रीजनिंग में आपके कितने टोटल अटेम्प्ट हैं, कि आप लोग भी 22 से 25 के बीच में कर सकते थे या फिर करके आए हो। और जीए जो है वो यहां पर दोस्तों हम यही कहेंगे ड्यूरेबल था, और जीए में जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और भी थे, बाकी हम शेयर कर देंगे, और भी ब्लॉग्स पर अपडेट है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में रीडिंग पर जो रीडिंग पैटर्न है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर देखने को मिला, कि अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो मतलब ग्रामेटिकल व्यू से हटकर रीजनिंग का पेपर है। ठीक है, न्यू टाइप के क्वेश्चंस ऑब्वियसली यहाँ पर पूछे गए, लेकिन अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आपने यहाँ पर इंग्लिश में अपने अटेम्प्ट थोड़े से बढ़ाए होंगे। ओके, तो टोटल आप लोग मुझे बताओ कि टोटल अटेम्प्ट आपने कितने किए, बाकी हम लोग ये नहीं बता रहे हैं कि क्या पूछा क्या नहीं गया, क्योंकि पेपर ऑलमोस्ट जो है सारे लोग देकर आए हैं तो उनको ये चीज़ पता होगी, क्योंकि एक सिंगल शिफ्ट का एग्जाम था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग केवल टोटल अटेम्प्ट्स के जरिए देख पाएंगे कि हमारे जो फ्रेंड सर्किल में लोग हैं उनके अटेम्प्ट्स किस तरीके से यहाँ पर है। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन में ही कहूँगा कि IBPS क्लर्क आपके लिए बचा हुआ है, और आप लोग पेपर देकर आओगे आपको खुद आइडिया लग गया होगा कि यार कहाँ कहाँ पर मैं स्टैंड कर सकता हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने पेपर में थोड़ा फाइट किया है और एक डिसेंट स्कोर की उम्मीद वो लोग जरूर करें। ओके, क्योंकि आप में से ही सिलेक्शन होने वाला है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि यार पेपर के बाद अब कोई होप नहीं है, अब इसमें नहीं हो पाएगा, छोड़ो इसको, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपने बिल्कुल वहाँ पर एक डिसेंट अटेम्प्ट किए हैं और थोड़ी सी फाइट दिखाई है, तो जरूर आपके लिए वहाँ पर चांसेस अवेलेबल हैं, क्योंकि आप जैसे ही और भी लोगों ने इसी तरीके का पेपर अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो ये आप मान के अपने अंदर चलें। और नेक्स्ट जो है IBPS क्लर्क है, तो इसके लिए अभी से ये लग जाओ, 10 दिसंबर को आपका एग्जाम है प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स तो लोगों का क्वालिफाई हो जाता है, मेंस बचता है, तो मेंस के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाने चालू रखो। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन मेंस का आपके लिए दें और आपके लिए प्रीलिम्स के दो क्वेश्चन कराएं, ताकि इससे क्या है थोड़ी प्रिपरेशन आपकी पैरेलल चलती रहे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, अगर और कोई सजेशन हो तो उसको जरूर कमेंट में यहाँ पर रख दें। यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जिनसे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम कैसा आ रहा है और हमें प्रैक्टिस कैसी करनी है, तो उसके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रख रखे हैं, उनको देखें और लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई बेसिक डाउट हो उसको भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।